हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अगले वीडियो में वीडियो नंबर 10 में 10th क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन साउंड से रिलेटेड है और एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और इस क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे कंपैरिजन ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। तो देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टू वेव्स है, वेव एक्स और वेव वाई। देखिए, ये वेव के ऑसिलेशंस हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये। यहां पर वाई वेव के ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4 सेकंड दिए हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 सेकंड दिए हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर ऑसिलेशन आपको ज्यादा दिख रहे हैं और यहां पर ऑसिलेशन कम दिख रहे हैं। तो आपको इस ग्राफ की बेसिस पे बताना है रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दीज टू वेव्स, वेव एक्स एंड वेव वाई, वेल रेशियो ऑफ वेवलेंथ एंड रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हम लॉजिकली और कॉमन सेंस से सोच के देखें तो बहुत सारी बातें पता लग जाएंगी। और ग्राफिकल वे में समझने के लिए देखिए क्या करना होता है। अगर आप वेवलेंथ की बात करें, अगर ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ होता, यहां टाइम नहीं होता, तो आप कहते हैं ये एक ऑसिलेशन है, तो एक ऑसिलेशन का डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, वेवलेंथ होता है, तो आप इसको वन वेवलेंथ बोल देते। नेचुरली यहां पे दो ऑसिलेशन दिख रहे हैं तो ये दो वेवलेंथ हो गई। आप इसमें देखें तो एक वेवलेंथ यहां पर जाके कंप्लीट हो रही है, तो ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ डिस्टेंस हो गया ये। अगर ये हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ को लें, टाइम भी उसी रिस्पेक्ट में होता है, टाइम कवर्ड इन वन ऑसिलेशन इज इक्विवेलेंट टू वेवलेंथ डिस्टेंस कवर्ड के रिलेशन में, तो आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहां पर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखें तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकंड से हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, या अभी देखेंगे उसको कैसे करना है हमको। तो हमें ये तीन चीजें देखनी है, आइए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए वेलोसिटी का रेशियो, तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी, अब क्योंकि ये दोनों वेव सेम मीडियम में चल रही हैं, अगर सेम मीडियम में चल रही हैं तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम। तो हमने माना दोनों की वेलोसिटी vx अपॉन vy 1/1 एज दे आर मूविंग इन द सेम मीडियम, तो इनका रेशियो आ जाएगा 1:1। तो हमारा जो पहला आंसर आएगा वेलोसिटीज का वो आएगा 1:1। क्लियर? नाउ वी कम टू द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में देखें तो देखिए इन द सेम टाइम, टाइम है 2 सेकंड, इन द सेम टाइम फॉर द वेव एक्स, जो ये पहली वेव है, इसके लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड यहां से यहां तक गिनिए कितना है, तो आप देखेंगे ये आ रहा है 2 लैम्डा, दिस इज लैम्डा पार्ट और दिस इज लैम्डा पार्ट, यानी कि 2 लैम्डा, तो ये 2 लैम्डा एक्स लिख दिया हमने। अगर आप वाई वेव के रिस्पेक्ट में देखें तो ये आ रहा है लैम्डा बाई 2, वेवलेंथ का आधा, तो हमने इसका डिस्टेंस इन द सेम टाइम कवर्ड आ रहा है लैम्डा बाई वाई, लैम्डा वाई अपॉन 2। अब देखिए ये दोनों डिस्टेंसेस सेम टाइम में सेम वेलोसिटी से हो रहे हैं, अभी अभी हमने देखा वेलोसिटी सेम है और यहां पे सेम टाइम दिया है, तो ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वेट हो जाएंगे, इक्वली आ जाएंगे। तो देखिए हम लिख देंगे 2 लैम्डा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा वाई अपॉन 2। ध्यान से समझिएगा ये हमने क्यों लिखा है, 2 λx = λy/2 इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों वेव की वेलोसिटी सेम है और दोनों सेम टाइम में यहां पर 2 सेकंड में आ रहे हैं। यहां पे दो ऑसिलेशन है या आधा ऑसिलेशन है, दो ऑसिलेशन मींस 2 वेवलेंथ, आधा ऑसिलेशन मींस वेव लेंथ का आधा लैम्डा बाई 2। तो इस रिस्पेक्ट से हम ये इक्वेशंस को बनाते हैं और इसके आगे अब इसको सॉल्व करके इसका रेशियो निकाल लेंगे वेवलेंथ। तो अब हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो देखिए हमने इक्वेट कर दिया इक्वेशन को 2 λx = λy/2, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेज इक्वल हैं, तो इसको लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई लिखेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 1/4 आ जाएगा, मींस λx = λy = 1:4, ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये रिलेशनशिप और टेक्निक सॉल्व करने की समझ में आ गई होगी। तो रेशियो ऑफ द वेवलेंथ आएगा 1:4। नाउ वी विल कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर दिस। तो अब हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसीज का रेशियो, तो देखिए यहां पे दोनों वेव्स एक्स और वाई के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे v = f λ, और वेलोसिटी एज वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पार्ट रिमेन इक्वल बिकॉज दे आर मूविंग इन सेम मीडियम, तो वेलोसिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वाई होगा। तो हम v = f λ के रिस्पेक्ट में देखें तो वी कैन राइट vx = vy, अब दोनों की वेलोसिटी सेम है तो उसका फॉर्मूला लिख दिया fx into λx = fy into λy, और इसमें fx upon fy = λy upon λx कर देंगे। और अभी अभी हम लोग सेकंड पार्ट में निकाल चुके हैं कि दोनों वेवलेंथ का रेशियो होता है 4:1, यानी λy upon λx है 4/1, तो हमने इसको यहां पर लिख दिया
तो हमारे सामने ये रिलेशन आ जाएगा 4:1। तो ध्यान देने की बात यह है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो देखिए वो कंक्लूजन क्लियर है बिल्कुल कि जब वेवलेंथ का रेशियो अगर देखें लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई में तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1:4। लैम्डा एक्स इज टू लैम्डा वाई आ रहा है 1:4, तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो उसका इनवर्स आना चाहिए। तो देखिए वो रेशियो आ रहा है एफ एक्स इज टू एफ वाई इज इक्वल टू 4:1। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। बस इन बातों पे ध्यान दीजिएगा कैसे ये ग्राफ आते हैं और किस तरह से आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को पता लगाना है। थैंक यू वेरी मच।